चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति सभागार में पंचायत समिति की पहली बैठक, विधानसभा सागवाड़ा के विधायक राम प्रसाद डिंडोर, सागवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान ईश्वरलाल, सागवाड़ा उपखंड अधिकारी राजीव त्रिवेदी, तहसीलदार डॉक्टर मयूर शर्मा, पंचायत समिति के विकास अधिकारी और उपखंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पंकज खांड की मौजूदगी में आहूत की गई। इस बैठक में समस्त पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, ग्राम सेवक, पदेन सचिव और संबंधित विभाग के कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में समस्त विभाग के अधिकारियों ने संबंधित विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और पंचायत समिति सदस्यों और सरपंचों ने अपनी समस्याओं को इस बैठक के दौरान विचार विमर्श किया। इस दौरान कई मुद्दों पर पंचायत समिति सदस्यों ने प्रशासन के समक्ष अपने पक्ष को रखते हुए समस्याओं पर ध्यान देने की बात कही। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं पर हुए वार्तालाप से संबंधित पंचायत समिति के सदस्यों से बातचीत। जी सर, एक मुद्दा उठाया आपने पंचायत समिति का, जो आज सभागार में एक बैठक रखी गई है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। किस तरह का मुद्दा है, थोड़ा विस्तृत बताएं। सर, ये मुद्दा ऐसा है कि सर, कितने सालों से ये रेलिंग टूटी हुई और अभी ज़्यादा ही टूटी जा रही है। माईपुल की मतलब हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, डूंगरपुर जिले का सबसे बड़ा माही ब्रिज है, उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ ने किसी अधिकारी का ना देख रेख है, ना कुछ पहल है सर, और सभी मतलब सभी अधिकारी इस ब्रिज से गुजरते होंगे मेरे ख्याल से। मैं ये कहना चाहता हूँ 100% के सभी अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन इसका अनदेखा कर रखा सर। और जो 927 नंबर ए नंबर नेशनल हाईवे घोषित किया है, 10 साल ऊपर हो गए, लेकिन ना तो उसका काम हो रहा, ना इतने सारे खड्डे पड़े हुए, जैसे कि माईपुल से लगाकर डूंगरपुर तक बिल्कुल खस्ताहाल हो गया रोड। इस समस्या के बारे में आपने मुद्दा उठाया, तो इसका क्या जवाब दिया गया आपको? फिर जवाब ये दिया गया मैडम ने कि मैडम ये बोले कि अभी नेशनल हाईवे का अधिकारी यहाँ नहीं बैठ रहा है, जो कि बांसवाड़ा बैठ रहा है, उनको अगली मीटिंग में हम सूचना देंगे। इन्होंने जवाब दिया। सर, आप मीडिया के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, कोटि कोटि लाख लाख जवाहर। कालूराम मैड़ा, पंचायत समिति सदस्य वगैरह, सेमल्या पंड्या और सुखा फादर, 18 नंबर वार्ड से। माईपुल का एक मुद्दा आपने उठाया था सर, अभी पंचायत समिति सभा में। हाँ, तो किस तरह का ये मुद्दा है माईपुल? ये मुद्दा है नेशनल हाईवे 927 में ये रोड चली गई तो कोई बात नहीं, पर उस रोड पे राजनीतिक के बड़े कद्दावर नेता, पूरे राजस्थान के, नर डूंगरपुर बांसवाड़ा सागवाड़ा के, पूरे राजस्थान के कद्दावर नेता, बड़े बड़े हर पार्टी के उस रोड से गुजर रहे हैं, और सभी जिला स्तर के कर्मचारी, उस विभाग के हों चाहे दूसरे विभाग के हों चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, ये सभी लोग वहाँ से गुजर रहे हैं। और आज दिन तक किसी को ये रेलिंग के बारे में सूझ नहीं आई कि माही ब्रिज की रेलिंग टूट चुकी है। एक तरफ जैसे सागवाड़ा से डूंगर बांसवाड़ा की तरफ जाते हैं, और लेफ्ट साइड में बहुत ही बड़ा खड्डा हो गया है, अगर वहाँ गाड़ी बैठती है तो सीधी गाड़ी नदी के अंदर जाएगी, और आए दिन नदी पुलों पे गाड़ियाँ कूद रही है, अंदर गिर रहे हैं, ऐसा सुन रहे हैं, अखबारों में आ रहा है, टीवी पे आ रहा है। ना तो किसी राजनीति की आँख खुली है, ना प्रशासन की आँख खुली अभी तक। और उस रेलिंग पे व्हीकल तो ठीक है, मगर पैदल जाने वाला भी कूद जाए अंदर, ऐसी स्थिति हो गई है, झुक चुकी है, मगर आज दिन तक किसी ने कोई उसकी मरम्मत कराने के लिए बात नहीं की। और अधिकारी आते हैं तो एक दूसरे के ऊपर टालने की बात करते हैं कि साहब वो मेरे विभाग के अंदर नहीं आता है। अरे, तुम्हारे विभाग के अंदर आता है कि नहीं आता है वो किसको पता है? जो शिकायत कर रहा है उसको पता नहीं है, मगर आप उसकी शिकायत पे संबंधित अधिकारी के पास जाने के लिए बोले, और जो भी समस्या आ रही है समस्या का समाधान करने के लिए रात दिन डटे रहें, जनता की सेवा करनी है। जनप्रतिनिधियों से भी मेरा निवेदन है, और कर्मचारी अधिकारी वर्ग सभी से मेरा निवेदन है, मैं किसी को बदले की भावना से नहीं कह रहा हूँ, जनता की सेवा करनी है, राज्य सरकार की जो स्कीमें हैं उसको भुनानी है,
जनता तक पहुंचानी है और अधिकारी वर्ग जो भी हैं, कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, मंच पे चले गए, माइक पकड़ा और अपने विभाग की जो भी कानून नियम कायदे जो हैं वो पहला जैसे हिंदी का पार्ट पढ़ रहा है ऐसे बोल दिया और रवाना हो गए। रवाना हो जाने से काम नहीं होगा। मैंने इस चीज़ को बोला कि आप अपने विभाग के जो भी नियम कानून कायदे हैं और जनता के जो भी लाभ के नॉन्स बने हुए हैं उन नॉन्स की कॉपी प्रत्येक जनप्रतिनिधि को पहुंचाएं, पंचायत हेडक्वार्टर पर पहुंचाएं, ताकि उसको पढ़ के जनप्रतिनिधि उनके वार्ड में उनके एरिया में जनता का विकास करें। और मेरा तो जनप्रतिनिधियों से यही कहना है, आपको जनता ने अपना अमूल्य वोट देकर चुना है, उसमें आपको उनके अमूल्य वोट का कर्जा चुकाना है। आने वाले चुनाव में लोग आपके सामने आवें और ये नहीं, ये तो बीजेपी का है, ये कांग्रेस का, ये है बीटीपी का, जनप्रतिनिधि सभी वर्ग का, सभी जाति का और सभी धर्म का होता है। जनप्रतिनिधि को रात और दिन सबके विकास के लिए खड़ा रहना है और सबका विकास करना है। सबका विकास करने के लिए उसको रात दिन मेहनत करनी है। विभाग में किसी तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी के कहने में या बहकावे में नहीं आवे और खुद जाके उसको देखें और जनता को सहयोग दें। इसी के साथ मेरे शब्द को विराम दे रहा हूँ। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम प्रहलाद सिंह चौहान चिबुड़ा। धन्यवाद सर। जी सर, अभी आज जो यहाँ पर पंचायत समिति में सभा हुई है, इसमें आपके क्या क्या मुद्दे रहे? सर, आज पंचायत समिति की साधारण सभा हमारे सागवाड़ा ब्लॉक की पहली थी, उसके अंदर मुद्दे तो कई हैं पर प्रमुख मुद्दे जो हमने आज उठाए हैं और विभाग के सामने रखे भी हैं, जैसे शिक्षा विभाग के अंदर मैंने विभाग उठाया था कि इन्होंने बताया था एडिशनल सीबीओ साहब ने कि हमारे वहाँ पे 1 से 5 और 1 से 8 उनके अंदर कॉम्बो पैक दिया जाता है, बच्चों को पोशार जो पका पका पोशार मिल रहा था उसकी जगह बंद करके कॉम्बो पैक तैयार मिल रहे हैं। उसके अंदर आज तक मैंने धरातल पर जाके देखा, कहीं कहीं गड़बड़ ये मिली मुझे कि जैसे मेरे गांव के अंदर ही राजकीय माध्यमिक विद्यालय गढ़ा विजनिया है, उसके अंदर 84 बच्चे हैं जो लाभान्वित होने चाहिए, उनकी जगह 48 दिए जा रहे हैं। मतलब 48 कहीं कहीं शिक्षा विभाग खा रहा है या इसके कार्मिक खा रहे हैं, कौन खा रहा है पता नहीं है। कहीं कहीं 48 बच्चों को दे के 48 के साथ धोखा हो रहा है, तो वो बच्चे भी दुखी हो रहे हैं, उनके गार्जियन भी दुखी हो रहे हैं। कहीं कहीं वो सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा भेदभाव नहीं किया जाए। ये मेरा शिक्षा विभाग से भी निवेदन है और उनके संबंधित अधिकारियों से भी है। साथ ही मैंने पिपलागुंज पंचायत ग्राम पंचायत के अंदर एक बड़ी स्कूल है, मतलब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उसके अंदर साइंस विंग चलता है, उसके अंदर आज तक मतलब साइंस विंग के अंदर वहाँ 100% ST बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा भी वहाँ पे न फिजिक्स न बायो न केमिस्ट्री किसी का लेक्चर आ रहा है, तो उन बच्चों का भविष्य किस तरफ जा रहा है? साइंस पढ़ रहे हैं खाली अंधेरे में पढ़ रहे हैं। साइंस किसको कहते हैं पढ़ना? कभी मार्केट के अंदर जाके जो स्कूल बाजार के अंदर है वहाँ जाके आप पता करो, साइंस का ट्यूशन चलते हैं या फिर प्राइवेट संस्था स्कूल है उनके अंदर देखो कि साइंस का लेवल किस तरह होना चाहिए, जबकि यहाँ पे स्कूलों में लेक्चरर ही नहीं है, तो साइंस विंग रखने का क्या मतलब है? अगर विंग रखना चाहते हो आप तो वहाँ पे प्रमुख रूप से वहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था करके भी कोई ना कोई टीचर उपलब्ध कराया जाए, ये मेरा विभाग से निवेदन है। साथ ही इस विभाग में शिक्षा विभाग में देखा मैंने, मेरी 3 पंचायत है, गढ़ा विजनिया, पिपलागुंज और फावटा, उसके अंदर जितने भी भवन है मतलब उस भवन में से आप 100% में से 10% भी बैठने लायक नहीं है, उसका भौतिक सत्यापन कराया जाए कहीं कहीं। और ये कहीं कहीं विभाग ऊपर से कलर करवा के अपनी मंशाएं पूरी कर रहा है, वास्तव में अंदर से ख़त्म हो चुके हैं पूरे भवन। शिक्षा विभाग के लिए मेरा सर इतना ही था। साथ ही मैंने चिकित्सा विभाग में भी कुछ उठाए हैं मुद्दे, वो मैं आपको बता देता हूँ सर। उसमें चिकित्सा विभाग का था सर, एक मिनट सर, मैंने चिकित्सा विभाग में कुछ मुद्दे उठाए थे। जैसे आपने देखा होगा डेढ़ महीने पहले MLA साहब जैसे विजिट पे थे अपने ब्लॉक के सबसे बड़े हॉस्पिटल पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय के अंदर, वहाँ पे भी मतलब कहीं ना कहीं MLA साहब ने पहले विधानसभा में भी उठाया था और उनको दिक्कत हुई थी कि वास्तव में लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ कहीं गलत हो रहा है। सागवाड़ा ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है वहाँ सभी जाति के लोग रहते हैं, पर कहीं कहीं बिल्कुल कंडीशन ख़राब होती है तो सागवाड़ा के सामान्य चिकित्सालय में आने की कोशिश करते हैं। और आए दिन आपने मतलब उसका एक अभियान चला था, उसमें देखना वहाँ पे लोगों ने अपनी पर्चियाँ तक डाल रखी है, उसकी कॉपी आप चाहो तो मैं उपलब्ध करा दूंगा आपको। उसमें भी सर उन्होंने कहीं कहीं लोगों ने लिखा है कि हमारे से डॉक्टर पैसे लेते थे वास्तव में, फिर भी आज तक उस डॉक्टर को न तो APO किया गया है न विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है। तो विभाग क्या चाहता है कि जनप्रतिनिधि के साथ अन्याय हो रहा है वो तो हो ही रहा है, साथ ही लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें भी कोई किसी भी तरह की राहत नहीं दी जा रही विभाग के द्वारा। साथ ही मैंने आज विभाग से कुछ इनकी मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना, दवा योजना, जांच योजना, उसके बारे में भी जानकारी मांगी है, तो वो मुझे जल्द उपलब्ध करा देने का आश्वासन
दरखास्त करा है BCMA साहब ने, पंकज जी ने। साथ ही उनको मैंने ये भी पूछा कि सर हमारे ब्लॉक के अंदर सागवाड़ा ब्लॉक मेरे वार्ड के अंदर पिपलागुंज उसके अंदर एक CSC पड़ती है ओबरी, वहाँ पे प्रमुख रूप से जो एंटीबायोटिक होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं, जाँचें नहीं हो पाती हैं, फिर भी अंधेरे में चल रही है PSC CSC। और मेरे पास जो 3 पंचायत है उसके अंदर एक भी PSC नहीं है, CSC नहीं है। तो मेरा विभाग से ये भी निवेदन है कहीं ना कहीं कि वहाँ PSC CSC जो भी हो सके, एक भले ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर के भी PSC या CSC करके देखा जाए। ठीक है सर, धन्यवाद। सर मेरा नाम योगेश खांट है, मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ वार्ड नंबर 10 पिपलागुंज से और निवासी गढ़ा झिड़िया का सर, धन्यवाद। उसमें मैं क्या है कि सर डोला से हमारे नंदोड़ के लिए जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं वहाँ पर बीच में एक पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र और थोड़ा जहाँ जंगल भी पड़ता है, जंगल के अंदर में क्या है कि कभी कभी 20 साल से करीब का वहाँ पर ये वन विभाग से तो वो NOC का वो दे दिया है यूँ कह रहे हैं, और ये विभाग अभी तक उसका रोड का नहीं दे रही, टेंडर का क्या मालूम क्या है न क्या नहीं, उसको मैं पूरा मैं जांच करवाऊंगा और देखवाऊंगा। उसमें मैं कल ही मैंने देखा है उसमें मैं न या तो पेतर है या कोई शेर है, उसका मैंने कल पंजा भी लिया है, उसका पंजा है मैंने इसके अंदर में ये पंजा लिया हुआ है, इसके अंदर में ये पंजा ये आप देख सकते हो उसके अंदर में ये पंजा मैंने लिया है। उसमें मैं करीब हमारे डोला से नंदोड़ में 60 लड़के करीब छोटे बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, तो उसमें मैं हो सकता है कभी घटना नहीं हो जाए, रोड नहीं है वैसे, उसका भी मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ कि पगडंडी के समान ही है, और रोड अगर वहाँ से नंदोड़ डोला से अगर नंदोड़ होता हुआ एक दूसरा है, मैंने कभी से कह रहा हूँ कि सर के डोला से नयागरा जाते हुए नयागरा के बीच में थोड़ा सा वो भी रोड छोड़ दिया है, दोनों साइडों से घाटी भी पड़ रही है, उसको थोड़ा कटाव भी लेना पड़ रहा है, उसमें भी छोड़ दिया। मैं उनको भी रसद विभाग को कभी कभी से मैं कह रहा हूँ कि आप क्यों ध्यान नहीं देते हो, कि मैं इतना कह रहा हूँ तो आप अधिकारी होकर के या तो आप जांच करवाइए या तो देखिए या तो फिर मुझे थक करके मीडिया को ले जा करके मुझे हर जगह की घटना अवश्य दिलाने की, मुझे अधिक से अधिक मैं पंचायत समिति ठाकड़ा का अभी फिलहाल मैं सदस्य 8 नंबर से वार्ड से हूँ, मुझे तालाबों से लेकर के पानी पियाऊ के ओर से और मैं कई कई मुद्दे देने वाला हूँ जो जनता के लिए काम में आए, ऐसे मुद्दे मैं देने वाला हूँ, पर उसमें मैं अगर ये ध्यान से नहीं देंगे तो ये तो पहली बैठक हुई है, पहली बैठक में आज दिन तक ये मुद्दे मैं कह रहा हूँ और सुन नहीं रहे हैं। उसमें मैं आ रहा है कि अभी सभी अधिकारी सभी विभाग या तो वो जगह नहीं तो फिर मैं मीडिया द्वारा इसमें मैं पूरा न पूरा मैं बताऊंगा, जांच करवाऊंगा हर जगह पे, कभी से कभी ऐसे ऐसे मुद्दे पड़े हुए हैं तो वो अवश्य सरकार के सामने आएंगे, जनता के सामने आएंगे, जनता देखेगी कि वास्तव में हकीकत है। तो इतने दिन तो पंचायत समिति सदस्य में जैसे तैसे चल जाता था, पर अब ये चीज़ नहीं चलने वाली है, एक एक चीज़ वो सरकार के सामने भी रखी जाएगी और आम जनता के सामने भी रखी जाएगी, श्रीमान मीडिया अधिकारी भी उसको देखेंगे और अधिकारी हर कोई उसको अधिक से अधिक ध्यान दे। मेरा ये आग्रह है कि अगर कोई घटना नहीं हो जाए, कभी कभी मैं अपने शिक्षा विभाग से भी कहना चाहता हूँ कि कभी कभी वो उसमें में क्या है कि कभी विभाग के ऐसे ऐसे भवन हैं वो खंडर पड़े हुए हैं, या तो उसको हटा दिया जाए या फिर उसको वो पहले से खंडर है उसको तो हटवा दिया जाए, क्योंकि उसमें मैं क्या है कि बच्चा होता है, बच्चा अनजान होता है, कभी घटना हो जाए उसके स्कूल गिर जाए कभी कुछ हो जाए उसके बाद में अगर उसको 5 लाख मिल जाएंगे 10 लाख मिल जाएंगे वो ये संभव नहीं। उसके लिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार उसके ऊपर अधिक से अधिक ध्यान दे। जय श्री। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम जयंतीलाल कटारा है, पंचायत समिति सदस्य ठाकड़ा। पंचायत समिति की जो सभा हुई थी इसमें आज आपने क्या क्या मुद्दे उठाए सर? जी सर, सबसे पहले तो आपके सागवाड़ा लाइव चैनल को जोहर, और आज जो पंचायत समिति सागवाड़ा में जो साधारण सभा हुई इसमें सर सार्वजनिक निर्माण के लिए सर हमने ये मुद्दे उठाए, जो हमारे सागवाड़ा जो पंचायत समिति है, सागवाड़ा पंचायत समिति में कई सारे जो गांव है जहाँ वहाँ लोगों के आने जाने में बहुत दिक्कत पड़ती है, उनके लिए जो कच्ची सड़कें उनको डामरीकरण करवाया जाए,
और जहाँ जहाँ जो RCC सड़क है और ग्रेवल सड़क के रूप में वो जो कार्य है उनको पूरा किया जाए। और इसके बाद में सर जो सामाजिक न्याय कल्याण है जो उसके बारे में, तो हमने जो सामाजिक विभाग से ये शर्त रखी है कि जो ग्राम सभा के जो पंचायतें हैं, पंचायतों के माध्यम में बाल कल्याण है, विकलांग है, जो लोग जो योजना से वंचित है उनको गाँव में जा जा के एक शिविर के माध्यम से लोगों तक अपनी योजना उसका लाभ दिलाए। और आपकी पंचायत कौन सी है? मेरे पंचायत सर पाटला सरोदा। पाटला सरोदा से आप? जी सर, पाटला सरोदा से सर। पाटला सरोदा में एक समस्या, मूल समस्या आपने एक बताई थी। जी सर, पाटला सरोदा, जी सर, हमारे सरोदा जो पंचायत है, ग्राम पंचायत सरोदा में जो CSC जो हॉस्पिटल है उसमें सर मूल रूप से ये समस्या है। तो इतनी समस्या पूछो कि जो पेशेंट कभी कोई लेके आता है, जहाँ वहाँ तीन तीन चार चार डॉक्टर रहने के बावजूद भी आज पेशेंट को देखने के लिए कोई डॉक्टर तैयार नहीं रहता है। जैसे कि किसी भी तरह की जो सबसे ज़्यादा पहले देखा जाए तो महिला विभाग, और महिला कभी प्रेग्नेंट लेडी आती है उसको डिलीवरी करवाने के लिए आते, तो वहाँ देखा जाए तो वहाँ डॉक्टर्स देखने के लिए तैयार नहीं है। तो और सीधे कहते हैं रेफर, तुम आप तो सागवाड़ा ले जाओ, यहाँ डिलीवरी नहीं होगी। तो ऐसी ऐसी परिस्थिति में जब पेशेंट की तो आ बीती रहती है, तो उस समय वो सागवाड़ा कहाँ आए कहाँ, तो जहाँ जितनी हो सके इतनी सुविधा तो मिलनी चाहिए। तो ये विशेष करके सरोदा में सबसे बड़ी जो हमारी समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। डॉक्टर्स टाइम पर मिलने चाहिए, जैसे कि उनका ड्यूटी टाइम सुबह 9 से 3 बजे तक का है, तो इतने बजे रहे, ऐसा नहीं हो कि 11 बजे आते हैं ना, 1 बजे वापस चले जाते, 2 घंटा सेवा देते, इसके माध्यम से तो फिर लोगों को सेवा नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए सर, तो ये विशेष करके उन लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए। और शिक्षा विभाग में सर ये कहना चाहते हैं कि जो पंचायत समिति सागवाड़ा में जहाँ जहाँ टेरिटेरी के जो राजस्व गाँव है, राजस्व गाँव में जहाँ जहाँ स्कूल भवन बने हुए वहाँ वो बहुत बिल्कुल देखा जाए जर्जर अवस्था में। ने वास्तविक मेरी जो पंचायत है वहाँ देखा जाए तो एक राजस्व गाँव जो पादड़ी बड़ी कर पादड़ी छोटी में देखा जाए तो वो UPS जो विद्यालय, वहाँ देखा जाए तो उस स्कूल की कंडीशन देखते हुए कोई वहाँ के जितने भी लोग सर्व समाज के लोग रहने के बावजूद भी जो सक्षम लोग हैं वो कोई एडमिशन दिलाने के लिए तैयार नहीं है। वो गरीब से गरीब वर्ग का जो बच्चा वो एडमिशन दिलाया था वहाँ पढ़े, वहाँ उस स्कूल में 35 पट्टियाँ जो टूटी हुई है बरामदे में, और एक छठी का कमरा उसमें भी टूटी हुई है। तो इस कंडीशन में आज गाँव वालों से ये ऑब्जेक्शन आ रहा है कि अगर ये इस विद्यालय का काम अगर नहीं करवाया गया तो हम बच्चों को एडमिशन वापस ले लेंगे। ऐसी ऐसी समस्या आ रही है सर, इसके बारे में कहीं कहीं शिक्षा विभाग में भी जोर दिया जाए कि वो स्कूल की मरम्मत का काम किया जाए। उनका मतलब काफ़ी जर्जर हो चुकी है। जर्जर तो सर देखा जाए तो पूरी पट्टियाँ टूटी हुई है सर, यूँ ऐसी पट्टियाँ टूटी हुई, वही एंगल लगाए हुए बीच में से छेद दिख रहे, वो चाइना म्यूजिक की मांग कर रहे, चाइना म्यूजिक करत करेगा, ऐसे पट्टियाँ टूटी हुई है वहाँ। तो ऐसी अवस्था में वहाँ अनहोनी घटना घट सकती है, जहाँ देखा जाए बच्चों की है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी शिक्षक की है, किसी की भी घटना घट सकती है। संबंधित विभाग का क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो सर ये मिला कि हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे कार्रवाई करने से क्या होगा सर, देखा जाए तो हमने ये अपन जिला कलेक्टर महोदय को, सांसद महोदय को, ब्लॉक अपने CBO को और TAD मंत्री को और हर विभाग तक हमने जो ये सूची जारी की, हमने ये एप्लीकेशन दी है, तो कहीं कहीं हमको इन लोगों तक लोगों को राहत मिले और उनका जो मुसीबत है उसका लाभ मिले। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम है सर विनोद मकवाणा, वार्ड नंबर 21 पाटला सरोदा, वहाँ से हूँ मैं पंचायत समिति सदस्य सर। बहुत बहुत धन्यवाद सागवाड़ा लाइव चैनल से जुड़ने के लिए। जोहर सर आपको, सागवाड़ा लाइव चैनल को लाख लाख जोहर। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।